श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम केर पाला परम केर पाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल तरों तरा पर पुन पुन सा पुन पुन सा बंद हो बार बार जगदीश जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए तन तन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतर जामी दीन दुनिया दे मालक चबर शतर तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतर जामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह मेहरवान सतगुरु दयालु कृपालु सच्चे पातशाह तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े ही प्रेम दे नाल सब संगत उच्चारण करो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हजूर सच्चे पातशाह जी दी पवित्र हाजूरी दे अंदर सोभाए मान गुरु की साजी नवाजी गुरु जी दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ बड़े ही प्रेम दे नाल सारी संगत दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सिख जगत विच बड़ा बैरागमई दिन है क्यों हजूर धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत दिन ज्योति जोत दिवस गुरु घर दे विच गुरु घर नाल प्यार करन वालियां संगतां बड़े प्यार दे नाल गुरु जी का यह गुरपुरब मना रही ने। कुछ समा सच्चे पातशाह जी के जीवन की विचार कर सका बड़े प्रेम दे नाल सारी संगत दोवें हाथ जोड़ो ते गज के आखो धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज तारे गिने जात हैं तेरे तारे ना गिनात है कवि लिखदा है गुरु नानक साहब कोई एहो जी थ्योरी निकल जे आकाश दे तारे ते गिने जा सकते पर गुरु नानक साहब जी जिन्हां नूं तुसीं तारिया उन्हां दी गिणती कोई नहीं। कुछ समा आपां गुरु जी दे जीवन दी विचार कर सकीए अज गुरु नानक साहब जी दा ज्योति जोत देना ज्योति जोत देना पर गुरु नानक साहब जी दे ज्योति जोत देण तों पहलां मैं उन्हां जीवां दा जिक्र करना चाहवांगा जिन्हां ने गुरु नानक साहब दे हत्थां विच शरीर त्यागिया जी। फिर बेनती है अज गुरु नानक साहब जी दे शरीर त्यागण वाला दिन है गुरु नानक साहब जी दे शरीर त्यागण वाले प्रसंग तो पहला मैं उन्हां जीवां दा जिक्र करना चाहवांगा से जंत पए हरियावले
जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए उन्हां जीवां दा जिक्र करांगा जिन्हां ने गुरु नानक साहब के हत्थां विच शरीर त्यागिया जी। सतगुरु तलवंडियों तुरे सुल्तानपुर साहब, आपां तलवंडी जाना साढ़े वास्ते मुश्किल है, पाकिस्तान जाना औखा साढ़े वास्ते, पर हिंदुस्तान दे विच इस धरती च तलवंडी तो बाद जे गुरु नानक साहब किते आए ते सच्चे पातशाह महाराज सुल्तानपुर साहब दी धरती ते आए। जदों महाराज सुल्तानपुर साहब आउण लगे सतगुरु नूं जिथे परिवार मिलण आया, परिवार दूर तक छड्डण आया, उत्थे ही धन गुरु नानक देव साहब जी दे चरणां दा भौरा रहिंदा है तलवंडी विच, और ओह होर कोई नहीं, वह खुद तलवंडी का राजा है जिन्हों आपां राय बुलार कहने हाँ। क्योंकि मैं बेनती करा गुरमुखो, गुरु नानक साहब जी दे अवतार गुरपुरब वाले दिन आपां गुरु दे गुण चेता करते हाँ, फिर सारा साल आपां गुरु नानक साहब जी दे ओ गुणा नूं चेता नहीं करते जिहड़े अवतार वाले दिन गुण चेता करते हाँ। कुछ समाज आपां सुरती उस पासे लाइए, महाराज सुल्तानपुर साहब आउण लगे, राय बुलार वक्त दा राजा, वह गुरु नानक साहब दे चरण फड़ के उन्हें बेनती की, सतगुरु कृपा करो, दया करो, मेरा तुहाडे चरणा नाल प्यार बहुत है, मैं तुहाडा विछोड़ा नहीं सह सकता, मेरी ये इच्छा है जदों मैं शरीर त्यागा गुरु नानक साहब तुसी मेरे लागे होवो। उदों वैसे गुरु शब्द नहीं सी वरत्या जांदा, ओ राय बुलार दी प्यार नाल नानक जी कहिंदे सन, नाले नेत्रां च बैराग, अज तुसी तलवंडी तो चले हो ते मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, तलवंडी विच तुहाडी बेद भी कीती, तुहाडे पिता ने तुहाडे मुख ते हथ मारे, है ते तलवंडी दा राजा, राज तुसी दिता मैनू। क्योंकि मैं भी बेनती करा गुरमुखो, राय बुलार अक्सर ही पिता मेहता कालू जिन्हों ये गल कहते होंगे सी, मेहता कालू वेखी किते इन्हां दी बेद भी ना करी, क्यों जरों मेरी तलवंडी विच तुरदे ने मेरे कोलों पुछ के वेख मेरी तलवंडी वसदी इन्हां दे चरणा करके है, उहदा प्यार इन्ना सी। इस तलवंडी विच तुहाडी बेद भी होई, मैं माफ़ी मंगदा, मेरे प्रति की उपदेश है, गुरु नानक साहब जी ने उत्थे फिर उपदेश दिता, महाराज कहिंदे राय जी जिंदगी दे सारे हीले खत्म हो जाण, बड़े ध्यान नाल गल सुनियो, जिंदगी दे सारे हीले खत्म हो जाण उदों अरदास करियो, जदों अरदास करोगे मैं तुहाडे कोल होवांगा। हुण इह गल थोड़े जे होर ध्यान नाल समझो, गुरु नानक साहब जी ने शब्द वरत्या जिंदगी दे सारे हीले खत्म हो जाण। भाई रघुबीर सिंह जी बीर, उन्हें एक किताब लिखी है अरदास शक्ति, मुद तां पहला वह किताब लिखी उन्हें, अरदास शक्ति दे विच उन्हें एक गल आरंभता ते एक गल लिखी अरदास दी शक्ति, पर उन्हें उदाहरण द्रौपदी की दिती है। वो कहिंदे ने द्रौपदी की कृष्ण जी ने लाज रखी, पर द्रौपदी ने एक सवाल किया, इन्ना कुछ मेरे नाल हो गया तुसी पहला क्यों नहीं आए। अगों जवाब मिलिया द्रौपदी, जदों पहला तेरा चीर हरण होण लगा सी, तेरे कपड़े तेरे तन तो वखरे करन लगे सन, तेरा अंदर दा सिदक ए सी भी भीषम पितामा मेरी रखिया करेगा, पर जदों तू वेखिया भीषम पिता ने भी धोण नीवी कर ली, भीषम पितामा ने सहायता तो उन्हें भी नहीं की, ते नाले तेरा सभा विच बैठे बजुर्गों वल ध्यान गया भी ये सभा विच जिहड़े बजुर्ग बैठे घट्टो घट मेरी पत्त वह रख लैणगे। जदों बजुर्गों का सिर नीवा वेखिया
ते उदों तू अपने पंजा पांडवां वल वेख्या, पंजा पतियां वल वेख्या, पंजा विचों कोई ते मेरी रखिया करेगा ना, पर जदों पंजा विचों किसे ने रखिया नहीं कीती, ते फिर तू अपने दंदां दा आसरा तकिया, अपना दुबट्टा दंदां दे थले दे लिया भी घट्टो घट मेरे दंद मेरी इज्जत रखणगे। पर जदों दंदां ने भी जवाब दे दिता साचे है तू मैनू आवाज ही उदों मारी। हुण इहदा भाव च आपां सिखिया लैणी है गुरमुखो, गज के आखो वाहेगुरु, सिखिया लैणी है। उहनां आखिया जदों तेनू कोई आसरा नहीं विखिया ते तू मैनू अरदास कर दिती, वेख मैनू याद कीता, मैं उस समय हाजिर हो गया जिन्हां उत्ते तू आसां लाईआं सी, तेरे सामने हो के भी वह तेरे सामने आ नहीं सके जी। इहदा भाव च गुरमुखो जदों जिंदगी दे सारे हीले खत्म हो जाण उदों गुरु अगे अरदास करिया करो, वाहिगुरु वैसे ते मेहर ही करे, पर गुरबाणी विच लिखिया जां को मुश्किल अत बणै ढोई कोए न दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले। हर कोई भज दे, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। एहो जे समय विच अरदास करियो, गुरु अर्जन साहब कहन लगे चित आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ, उत्थे फिर तत्ती वा नहीं च लगती। गुरु नानक साहब ने एहो गल ही आखी। तो मेरी बेनती च बाहर दी दुनिया च भी अरदास करदे आ, कदी अंदर दी दुनिया विच भी गुरु अगे अरदास करो। कहण दा मतलब पता की है, कल दारा शको दा प्रसंग आया सी, उहने आखिया सी गुरु हर राय साहब नूं महाराज किरपा करो ज्ञान ध्यान मेरे कोल बहुत है, मेरा मन टिक जाए, बाहर धन साधा वधे आपां अरदास करदे आ, साडा घर वधिया बण जाए असीं अरदास करदे आ, इथों तक आपां अपने तन की रख्या वास्ते अरदास करदे, शरीर की रख्या वास्ते, पर कदी गुरु दे चरणां विच मन नूं टिकाउण वास्ते भी अरदास करिए। सच्चे पातशाह किरपा करो, दया करो ते साडा मन टिक जाए महाराज। अरदास बहुत काम आउंदी च, इस पासे तुर पैना पर समा नहीं है। सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज गुरु नानक साहब जी कहन लगे सुनाउणा ते मैं प्रसंग है, पहला पंछी झात सारे जीवन दी। श्री गुरु नानक साहब जी ने आख्या राय जी सारे हीले वसीले मुकण जदों अरदास करोगे मैं तुहाडे सामने आवांगा। हुण इह गल बहुत वड्डी च गुरमुखो, महाराज ते कह के तलवंडी चले गए, सुल्तानपुर साहब चले गए। सुल्तानपुर दे विच की वरत्या, बेबे नानकी ने वड्डा घर दे के आखिया सी जिन्ना वड्डा मेरा वीर है उहदा घर भी उन्ना वड्डा होना चाहीदा। यह गल बेबे नानकी जी ने आखी। महाराज वेले घर विच बैठे सन, बेबे नूं आखिया मेरा किरत करन नूं जी करदा, काम करन नूं जी करदा। बेबे ने आख्या क्यों? कहन लगे मैं वंडना चाहुंना दुनिया नूं। आख्या सारा कुर घर विच तुहाडा ही है, जो मर्जी वंडो। पर सतगुरु कहन लगे बेबे किरत कीतियां बंदे दा शरीर सफला हुंदा है। इस गल दा ध्यान देना, जदों बंदा मेहनत करे भावें रब वाले पासे जां दुनिया वाले पासे, किरत कीतियां बंदे दा शरीर सफला हुंदा है। जय राम जी ने गल कीती, जय राम महाराज दे जीजा जी ने नवाब दौलत राय नाल गल कीती, तुहानू मोदी दी लोड़ है, साडे घर मेरी पत्नी दा घर मेरी पत्नी दा भरा आया है, जे आखो ते मैं लै के आवां। नवाब दौलत राय ने पहली बार गुरु नानक साहब दे दर्शन कीते, गज के आखो वाहेगुरु। दर्शन करके उन्हें पता की आख्या, नवाब दौलत राय दर्शन करके कहन लगा वेखण विच ते भला पुरश है। कहन लगे दर्शन करके ठंड पैंदी है, इहनू मोदी दी कार ते ला दो। जिहड़ा मोदी हुंदा सी उहनू अपने तौर ते जिहड़ी तनखाह मिलनी सी, उस समय पैसे नहीं सी मिलते,
मोदी का काम हुंदा सी अनाज नू वंडना, तोल मोल के वंडना। ते गुरमुखो जेड़ा मोदी हुंदा सी उनू वखरा अनाज मिलदा सी हर रोज। अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पहले दिन मोदी की कार ते बैठे ते पता की कीता, ओ जेड़े अनाज लैण आए सन गुरु नानक साहब को, वह अपने अनाज विच्छों दसवां हिस्सा कढ के गुरु नानक साहब के अगे रखिया जी। उन्होंने महाराज कहिंदे ये कि कहन लगे जी पहला जेड़ा मोदी सी जदों सानू अनाज देंदा सी साढ़े अनाज विच्छों दसवां हिस्सा आप रखदा हुंदा सीगा। गुरु नानक साहब कहन लगे भाई किसे दा हक मार के मैं अपने घर नहीं लैके जाना। एक गुरु साहब ने शब्द वरते तलो सुल्तानपुर विच ते जय जयकार हो गई जी। नवा मोदी आया वह वड्डी नहीं लैंदा, वह रिश्वत नहीं लैंदा। नवा मोदी आया वह ते कदी किसे नू माड़ा नहीं आखदा। ते तीजे दिन महाराज जदों तोलन लगे ना ते तोलिया दस ग्यारह बारह, जिथे तेरा शब्द आख्या उथे सुरत टेक गई जी, गज के आखो वाहेगुरु। पर वो तेरा केड़ा आख्या, गिणती वाला नहीं आख्या। महाराज बाणी च कहिंदे कबीर मेरा मुझ मैं किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। उस दिन ते सारी दिहाड़ी काम तेरा तेरा चलिया, जेड़ा आया तेरा, जिन्ना मंगदा सी लै जांदा सी, बस तेरा तेरा करके खुला दई गए तोली गए। दो कु देने काम चलिया। गुरु नानक साहब नू नवाब दौलत राय ने एक साथी दिता सी, और साथी गुरु नानक साहब नू कहन लगा नानक जी तुसी तेरा तेरा करके तोली जांदे हो, तेरा तेरा करोगे सच्ची गल है साडा सुल्तानपुर उजड़ जाएगा, नवाब दौलत राय उजड़ जाएगा। तुसी तेरा कर करके तोली जांदे हो, हर वक्त तेरा तेरा आके तोली जाना, सब नू दई जाना। ते गुरु नानक साहब ने शब्द वरतिया, वो बड़े ध्यान ना सुनियो। सतगुरु कहन लगे भलिया तेरा तेरा करके उजड़ी दा नहीं, तेरा तेरा करके वसी दा है। कहन लगे जदों बंदा वसद जे ते ओ तेरा तेरा आखी जावे सच्ची गल है वह वस जाएगा। जिदण मेरा मेरा करना शुरू करता बंदा उजड़ना शुरू हो जाता है। हुण यह भी मेरी बेनती ध्यान ना सुनियो, महाराज बाणी च कहिंदे जब लग मेरी मेरी करै तब लग काज एक नहीं सरै, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारै आए। सारी उम्र मेरी मेरी कर करके ते जन्म व्यर्थ कर लिया जी। अज सच्चे पातशाह दा ज्योति जोत देना बड़ी वड्डी सिख्या च। सच्चे पातशाह महाराज ने तेरा तेरा आख्या जी, ते बेनती च मेरी मेरी करते जन्म गयो। गज के आखो वाहेगुरु। महाराज अपने साथी नू कहन लगे भलिया तेरा तेरा करके वसीदा है, मेरा मेरा करके उजड़ीदा है। कहन लगे किते सुल्तानपुर नहीं उजड़ेगा। इहदा कारण इह सी सच्चे पातशाह अपना जो कमाउंदे सन उह भी गरीबां विच वंडदे सन जी। हुण अगों ध्यान ना सुनियो, सुल्तानपुर विच सब तो पहला संगत आरंभ हुई। इत्थे महाराज ने अपने बचपन के साथी मरदाना जी नूं सद्दिया जी। बेबे दे कोलों पैसे लैके रबाब लैण वास्ते भेजिया। मरदाना जी रबाब लैके आए, महाराज कहिंदे मरदानिया तार छेड़। मरदाना जी कहन लगे सच्चे पातशाह अज तक रबाब नहीं वजाई। महाराज साढ़े वड्डे काम करदे, मैं तो शुरू तो इन्हां इस काम वाले पासे अजे गया ही नहीं, तुहाडे नाल ही बहुता रहा। महाराज कहिंदे मरदानिया रबाब वजाउण दी जिम्मेवारी तेरी धुर दरगाह तो लगी है। कहन लगे तेरा काम ही है रबाब वजाउणा साडे नाल। मरदाना जी ने रबाब वजाउणी, चार शरीर पंज शरीर छे शरीर सब तो पहला संगत कट्ठी होनी शुरू हुई, वह सुल्तानपुर साहब की धरती ते शुरू हुई जी। इत्थे ही फिर
बहुत बजुर्ग हो गया मैं, समा अपनी चल लंघता जाता, मैं प्रसंग भी विचारना। बहुत बजुर्ग हो गया राय बुलार, जेड़ा देश दा राजा है, तलवंडी दा राजा, तलवंडी दा राजा बजुर्ग हो गया। उन्हूं अपना इउं भासण लग पिया भी हुण मेरी उम्र मुक्कण वाली है, ते तलवंडी दा राजा हर वक्त अपने गुरु नानक नूं याद करन लगा जी। गुरु नानक साहब जी नूं मंजे ते बैठा ना उठिया जावे, ना तुरिया फिरिया जाए, गुरु नानक साहब ओदी हिरदे दी तड़प जान के। क्यों? गुरु नानक साहब जी ने तुरन तो पहला आखिया सी, राय जी दुनिया दे सारे हीले वसीले खत्म हो जान, अरदास करियो मैं तुहाडे कोल होवांगा जी। वो बचन पूरा होण लगा जी। अज राय दा अंतम वेला आया, राय बुलार दा। दो दिन पहला सतगुरु तलवंडी विच पहुंच गए। जदों तलवंडी विच गए ना, ते राजा सी राय बुलार, ओदे नौकर ने दसिया, कहन लगा राय जी तुहाडा नानक आया है। उन्हें ओह बोल बोले जन्म साखी अनुसार, तुहाडा नानक आया है। बस नानक शब्द कन्ना तो सुनिया, अखां विच छम छम करदा वैराग शुरू हो गया जी, मेरा नानक आ गया। एहो ही उन्हें शब्द वरते जो जन्म साखी च लिखिया। बहुता ही वैराग कीता गुरु नानक साहब जी दी याद विच, पूरी उठण दी कोशिश कीती, उठ के मैं इन्हां दा सत्कार करा। पर गुरमुखो उथे विद्वान गुरमुख प्यारे लिखते, राय बुलार कोलों उठिया ना गया, सतगुरु ने आप गोडियां थलाया जाके जी। एक गल चेता रखियो, तुलसा दासी ने गुरु नानक साहब दे अंगूठे नूं हथ लाता सी, ते ओ उच्ची उच्ची कहन लग पी सी माता तृप्ता नूं, मां तृप्ता तेरा पुत पुत नहीं, तेरा पुत रब है, कहन लगी। ते जिन जिदे गोडे ते गुरु साहब ने हथ लाया ओहदा की बनिया होएगा। राय बुलार कहन लगा, नानक जी मैं तुहानूं अपने सीने नाल लाउणा चाहुंदा, मेरी बड़ी इच्छा, कहन लगा। महाराज कहिंदे गल ही कोई नहीं, उहदे भाग वेखो। गुरु नानक साहब ने उहनूं सीने नाल लाया। जिन्ना चिर तक गुरु नानक साहब सीने नाल लए, राय बुलार रोंदा रहा जी उच्ची उच्ची, कहिंदा बड़ी किरपालता कीती मेरे वास्ते, मेरा खुदा मैनूं तोरन आया, कहन लगे। गुरमुखो सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब नूं उन्हें आख्या, महाराज मैं प्रशादा छकाउणा चाहुंदा। राय ने प्रशादा छकाया, उहदे तो बाद राय गुरु नानक साहब दे सामने शरीर त्याग गया जी। अज गुरु साहब दे शरीर त्यागण दा दिन है। छोटा छोटा मैं उन्हां जीवां दा जिक्र करना चाहुंदा है जिन्हां ने गुरु नानक साहब दे सामने शरीर त्यागिया जी। गुरु नानक साहब जी दे सामने 12 साल हो गए, 12 साल। सच्चे पातशाह तलवंडी नहीं सी आए, बहुत समा इधर उधर उदासियां कीतियां। माता तृप्ता जी दे सीस दे वाल चिट्टे हो गए, शरीर कंबन लग पिया, मन विच एहो फुरना सी हुण ते मेरे भी चलण दी तैयारी है, जाण तो पहला एक बार मैनू अपने पुत्र दे दर्शन हो जाण जी। गुरमुखो पुत नलायक होवे मां नूं तां वी बड़ा चंगा लगदा, तो जिहड़ा पुत्र ही खुद निरंकार है उस मां नूं किन्ना चंगा लगा होएगा पुत जी। हो माता जी दे मन विच इक्को ही बड़ा तीबर फुरना जी, शरीर बुजुर्ग हो रहा, जाण तो पहला एक बार दर्शन हो जाण। उधरों गुरु नानक साहब ने मरदाना जी दे हिरदे च फुरना पैदा करता, घर जाण दा। मरदाना जी घरों गुरु नानक साहब दे कोल आए। महाराज तलवंडी दे विच इक खूह सी बाहर, उस खूह ते बह के बंदगी करन लग पे। रात दा समा सी, मरदाना जी अपने घरदियां नूं मिल के बाहर आ रहे सन, ते दरवाजे दे विच सामने माता बैठी सीगी, धन माता तृप्ता जी मंजा डाह के बैठे सन जी, दीवे दी लो सी। जदों मरदाना जी सामने लंघे ना,
ते माता तृप्ता जी नूं इओं महसूस होया भी इओं लगदा जिवें मरदाना लंघ रहा होवे। सतगुरु ने आख्या सी मरदाने आ साडे घर ना जाई, लीला सी महाराज दी। पर मां ने आवाज मारी, माता तृप्ता जी ने, मंजे ते बैठे आ, शरीर बजुर्ग हो गया, दीवे दी लौ है। माता ने आवाज मारी, वे मरदाने आ, मरदाना साहब दे कोलों गां ना तुरिया गया। क्यों? जिस गुरु नानक साहब की संगत करते सन वह धन गुरु नानक देव साहब जी की माता ने आवाज मारी सी, वे मरदाने आ, मरदाना साहब कोलों गां ना तुरिया गया। मरदाना जी बस गुरमुखो उत्थे ही रुक गए। माता ने फिर आवाज मारी, वे मरदाने आ, तू घर नहीं आना। मरदाना जी घर आए, मत्था टेकिया माता जी नूं। माता जी नूं बस, माता जी ते मरदाना जी नूं वेख के बैरागी हो गए सन, जे मरदाना आया ते मेरा पुत्र भी आया होएगा जी। ये बड़ा प्यार वाली घटना जी, जे मरदाना आया ते मेरा पुत्र भी आया होएगा। पुछया माता तृप्ता जी ने मरदानिया, सच दस, चलो असी ते गुरु साहब दे सिख हां, मैं माता दी बोली विच बोलन लगा। माता जी कहन लगे, सच दस मेरा नानक किथे है। माता जी दी गल सुन के मरदाना जी चुप रहे। मरदाना जी तुर पे, जवाब कोई ना दिता। मां नूं इह भरोसा सी, मरदाने दे पैर जिधर जाणगे उहदा गुरु उत्थे होएगा जी। हुण इस गल नूं ध्यान ना सुनियो, एक करी सारी संगत गज के आखो वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरमुखो बस इस गल दा चेता रखना, सिख दे पैर जाने ही उस पासे जिस पासे गुरु है। मरदाने दे पैर ही उस पासे जाने। मन विच विचार कीती, मिठा लिया जी मिठा, एक चोला लिया। बजुर्ग माता तुर पी खूह वाले पासे, मरदाना जी दा पीछा करदे करदे जी। उधरों तुलसा दासी घर विच राय बुलार जी आए, कहन लगे तृप्ता किथे गई, जो उन्होंने अपनी भाषा च आखना सी अपनी पत्नी नू। तुलसा दासी ने आखिया, अज मरदाना घर विच आया सी। मरदाना जी ते कुछ ना बोले, पर कहन लगे माता जी उहदे पिछे पिछे चले गए। जदों आ शब्द वरतिया, राय बुलार जी घोड़ा लैके माता तृप्ता जी दे पिछे पिछे, गुरु नानक साहब खूह ते बैठे। वाहिगुरु महता कालू जी। गुरु नानक साहब खूह ते बैठे, उन्हां वेख्या अज मां आ रही है। गुरु नानक साहब जी ने, गुरमुखो दसदे ने, उठ के माता दा सत्कार कीता, चरनी हथ लाया। बजुर्ग शरीर हो गया माता तृप्ता जी दा, माता तृप्ता जी ने घुट के सीने नाल ला लिया जी। किड्डे वड्डे भाग होणगे माता तृप्ता जी दे करी, गज के आखो धन माता तृप्ता जी। माता तृप्ता जी इस तरह नहीं, होर गज के आखो धन माता तृप्ता जी। माता तृप्ता जी क्यों? गुरु नानक साहब दा ज्योति जोत सुनाउण लग्या, पहलियां ही बहुत घटनावां ने, इसे पासे बड़ा टाइम लग जांदा जी। महाराज सच्चे पातशाह माता जी दे जदों गले लगे, जिन्ना चिर तक गले लगे रहे, माता तृप्ता जी एक टक लगातार बैराग करदे रहे। कहन लगे, वेखो मैं कैसी मां है, परमेश्वर ने इको एक पुत दिता, वह भी मेरे कोल नहीं रहिंदा जी। जिवें मावां शब्द बोलदियां, क्यों? अज 12 सालां बाद माता तृप्ता जी ने अपने पुत्र धन गुरु नानक साहब जी दे दर्शन किए सन जी। 12 सालां बाद मैता साहब जी ने दर्शन किए, मिठा छकाया ते घर लै गए। ते मैं समाप्ति वाले पासे भी आउण दा जतन करना। घर लै गए ते घर रहिया 2 कु दिन होए गए ते सराध आ गए जी। सराध, क्यों? परिवार विच इह गल्लां चलदियां सन ते पिता मेहता कालू जी श्राध कराउण लग शुरू होए जी। गुरु नानक साहब बाहर आए, कहन लगे, पिता जी साडे पितरां नूं कित्थों प्रशादा पहुंचेगा? कहिंदे, क्यों? गुरु नानक साहब कहन लगे, साडे पितर ते पहलां ही सतखंड विच पहुंचे ने। पुछया, कीवें? गुरु नानक साहब ने अपने पिता दी बांह फड़ी जी।
कहन लगे अखां बंद करो। मैता कालू जी ने अखां बंद कीतियां, सतगुरु ने कृपा कीती, सुरत दी उडारी इन्नी उच्ची मरवा दित्ती जी, मैता कालू जी सुरत करके सचखंड विच पहुंच गए जी। उत्थे मैता साहब ने अपने बापू नूं बैठिया वेख्या, होर अपने परिवार के जीआं नूं वेख्या, पुछिया तुसीं इत्थे किवें, ओ कहन लगे मैता कालू जदों दा तेरे घर विच पुत्तर पैदा होया उदों दे आपां सचखंड विच आके बैठे हां। कहन लगे ओ खुद निरंकार है, पिता जी दी सुरत मुड़ के वापस आई, पिता जी नूं असलीयत दा ज्ञान होया, उधरों पिता जी दा अंतम समा नेड़े आ गया, उधरों माता जी दा अंतम समा नेड़े आ गया जी। एक दिन पहला पिता जी शरीर त्यागदे ने, सतगुरु गुरु नानक साहब ने आप हथी पिता जी दे शरीर दा संस्कार किया। एक दिन बाद जो विद्वान गुरमुख प्यारे दसदे ने, थोड़े समय बाद धन माता तृप्ता जी ने शरीर त्यागया, सच्चे पातशाह ने उन्हां दे शरीर दा संस्कार किया जी। और तो बाद मैं फिर बेनती करा, बेबे नानकी दी प्रशादा पकाउन दे, सतगुरु उन्हां दिनां विच मक्के बैठे सन, प्रशादा फुलिया, मन विच विचार आई मेरे वीर नूं किते भुख ना लगी होवे, याद कीता गुरु नानक साहब मरदाना जी दी बांह फड़ के कहिंदे चल मरदाने आ बेबे दे घर चलिए, सत करतार आख, सत करतार आखिया बेबे दे घर विच पहुंच गए जी। प्रशादा छकिया, जदों तुरन लगे बेबे बूहे विच खलो गई, बेबे नानकी हाथ जोड़ के नाले आखिया, कहन लगे सतगुरु सारी उम्र मैं तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगिया, ना मेरे घर पुत्र है ना धी है, अज मैं मंगन लगी हैं। महाराज कहिंदे दसो, बेबे नानकी जी ने आखिया सतगुरु दो दिनों बाद मैं शरीर त्यागना, मेरे शरीर का संस्कार अपने हथीं करके जाओ। कहन लगे महाराज कहिंदे ठीक है बेबे, बेबे दे शरीर का संस्कार आप हाथीं घर करके आए जी, करके घर आए जी। उधरों जय राम जी भी दरवाजे च खलो गए, महाराज दे जीजा जी, ते पता उन्हां शब्द की वरते, हाथ जोड़ के कहन लगे करतार जी धन, नानक जी तुसी भी धन, नानकी भी धन, ते नाले शब्द वरतिया थोड़े थोड़े असी भी तन। कहन लगे महाराज कहिंदे तुसी किवें, कहन लगे नानकी करके साडा संबंध तुहाडे नाल बनिया। कहन लगे इस करके असी भी तन। गुरु नानक साहब कहन लगे दसो, जय राम जी कहन लगे सतगुरु मंगिया नानकी ने कुछ नहीं, ते मंगिया सारी उम्र तुहाडे कोलों मैं भी कुछ नहीं, आख्या तुसी भी मंग लो। जय राम जी दी अवस्था वेखो, जय राम जी कहन लगे सतगुरु फिर दो दिनों बाद मैं भी शरीर त्यागना, मेरे शरीर का संस्कार हथीं करके जाओ महाराज। ये सारिया रूहां नूं गुरु नानक साहब ने आप नवाजिया। मरदाना जी ने 50 साल कीर्तन किया, 5 दिन पहला ही सतगुरु ने मरदाना जी नूं कहता सी, मरदानिया जो छकना छकल है, तेरी उम्र गिणती दे 5 दिन रह गई थी। मरदाना जी ते कहन लगे महाराज सच्ची, महाराज कहते हाँ। 5 दिन बाद गुरु नानक साहब ने सिर ते हथ रख के आख्या मरदानिया अवस्था की है। मरदाना जी कहन लगे सतगुरु तुहाडी कृपा नाल ज्ञान हो गया, गिणती दे 9 साह मेरे शरीर दे अंदर रह गए जी। बाला जी ने साह गिने बोलिया 1, मरदाना जी ने बोलिया वाहेगुरु, उन्हां बोलिया 2, मरदाना जी ने बोलिया वाहेगुरु, 9 तक वाहेगुरु कह के मरदाना जी भी शरीर त्याग गए जी। अज सतगुरां दे अपने शरीर त्यागण दा दिन है, ते हुण थोड़ी जी सुरती बिरती उधर आपां लाईए। तुसीं सुणिया राय बुलार नूं सतगुरां निहाल कीता, माता तृप्ता जी नूं निहाल कीता, पिता मैता कालू जी नूं निहाल कीता, बेबे नानकी जी, भाइया जय राम जी, भाई मरदाना जी, इन्हां सारिआं नूं सतगुरां ने आप निहाल कीता जी। अज अपना शरीर त्यागना, थोड़ा जिहा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ अनुसार
आप जी प्रसंग सरवण करो। गुरु नानक साहब जी शरीर त्याग चुके ने, गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। महाराज शरीर त्याग गए ते उधर माता सुलखणी जी ने आवाजा मारिया बाबा श्री चंद जी नूं ते बाबा लक्ष्मी दास जी नूं, पहला नहीं आए जी। उधरों सच्चे पातशाह शरीर त्याग गए, उधरों बाबा लक्ष्मी दास जी ते बाबा श्री चंद जी आ गए जी। हुण इत्थों प्रसंग सुनो, बहुत सारे सिख जिन्हां विचों मुखी सिखां विचों बाबा बुढ़ा जी बैठे उत्थे जी, होर सिख बैठे ने, राजे महाराजे आके बैठे ने, सिद्ध बैठे ने आके, पता नहीं कौन कौन आके बैठा। सारिया ने वेख्या गुरु नानक साहब शरीर आप त्याग गए ने, 70 साल की उम्र च गुरु जी ने शरीर त्यागया। 70 साल की उम्र च सच्चे पातशाह शरीर त्याग गए, दौड़ के आए लक्ष्मी दास जी, हाँ जी, ते उधर श्री चंद जी। हुण अगों कथा सुनो, सारी संगत आखो धन गुरु नानक देव साहब जी, श्री गुरु नानक देव साहब जी। गज के आखो धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, गुरु नानक देव साहब जी महाराज। धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। सब संगत गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब, फिर आखो जी श्री वाहे गुरु साहिब जी। हाँ जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। चौपाई श्री चंद तब लखमी दास, पेते आगे कीनी अरदास। बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी दौड़ के आए, जदों पता लगा भी पिता जी ते शरीर ही छड गए साडे जी। हाँ जी, ते ओ दौड़ के आए, पित आगे कीनी अरदास, गुरु नानक साहब जी दे शरीर दे अग्गे अरदास करन लगे जी। हां जी, हाथ बंद दोनों होए ठंड, एक पासे बाबा श्री चंद जी खलो गए, एक पासे बाबा लखमी दास जी खलो गए, दोवां ने हाथ जोड़ के सामने खलो के अरदास शुरू कीती जी। हां जी, हृदय मह श्रद्धा अत बंड है, हुण हिरदे विच बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई, मना सारिया ने बख्शिशां लईयां, सानू वाजां मारियां, असीं चल के नहीं आए जी। ओ बड़ी शरदा हुण हिरदे विच धारण कर ली जी। हां जी, हे जगतेश सर्ब सुख दानी, हे सरबग सर्ब गुण खानी। हे गुरमुखो, बाबा श्री चंद जी ने अरदास शुरू कीती, हे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, तुसी जगत दे मालक हो महाराज, तुसी सरबग हो, अंतरजामी हो, ते तुसी सदा रहण वाले हो, सारिआं नूं तुसी दातां दे के गए हो। हां जी, बिना मिले अब आप समाए, महाराज सानू कोई शंका नहीं, तुसी तिन्ना लोकां दे मालक हो, शरीर दे अगे छड्डे होए शरीर अगे अरदास कीती, छड्डे होए शरीर अगे, सानू कोई शंका नहीं, तुसी तिन्ना लोकां दे मालक हो सच्चे पातशाह, पर महाराज सानू बिना मिलिया ही तुसी शरीर छड्ड गए जी। इह उन्हां हथ जोड़ के अरदास कीती गुरु नानक साहब अगे, महाराज सानू बिना मिलिया ही तुसी शरीर त्याग गए। हां जी, हम रहंगे हृदय पछताए, महाराज सानू बिना मिलिया तुसी आप अपनी जोत च समा गए हो, साडा हिरदा सारी उम्र पछताउंदा रहेगा, असी अखीरले समय गलबात नहीं कीती, दर्शन नहीं कीते। हां जी, अबे बदी अब लाख बसाला, दर्श आपका करण कृपाला। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहब दे शरीर अगे बेनतियां करन दे, महाराज हुण तुहाडे दर्शना दी साडे मन विच इच्छा पैदा होई है, बड़ी अभिलाषा पैदा होई है। हां जी, सुन कै बिने परिषद ताता, क्षमा करो भूले पश्चाता। ते अपने पुत्रां दी बेनती सुन के, हे पिता जी कृपा करो, हुण उठो ते साडे भुल्लां दी सानू मुआफी बख्शिश कर दिओ जी। ए छड्डे होए शरीर अगे बेनती कीती जी उन्हां ने। हां जी, तुमको श्री करतार दुहाई, बोले मिले बिना जे जाई। ते फिर उन्हां शब्द पता की बोलिया,
बाबा श्री चंद जी कहन लगे अपने पिता जी नू, पिता जी तुहानू रब दा वास्ता एक बार साडे लई जरूर उठो जी, गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। दो बार रब दा वास्ता पाया सीगा जी, आप एक बारी पहला मौलाने ने पाया सीगा बचपन विच जी, हुण अज फिर रब दा वास्ता पा रहे ने बाबा श्री चंद जी। तुहानू रब दा वास्ता सच्चे पातशाह साडियां भुल्लां नू माफ करके एक बार साडे नाल उठ के साडे नाल गल करो। हां जी, पूरब ज्यों द्वै कटका औरी, हम सब बोलो मिलो बहोरी। ते बाबा श्री चंद जी ने महाराज कोलों समा मंगया, गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। हां जी, महाराज कोलों समा मंगया उन्हां, महाराज कृपा करो दो घड़िया ही उठो, पर उठो जरूर सच्चे पातशाह साडे वास्ते उठो, तुही शरीर त्याग गए हो ते सानू सदा ही पछतावा रहेगा भी साडे पिता जी ने अंतम समय साडे नाल बचन कोई नहीं कीता। हां जी, अस अरदास कीन जब दोई, चहन देश पीर अदक तब होई। हुण सारे पासे सिख खलोते, राजे महाराजे खलोते जी, एक बने माता सुलखणी जी खलोते, बाबा बुढ़ा साहिब खलोते, बाबा श्री चंद जी ते लखमी दास जी हाथ जोड़ के उची उची बोलन दे जी, पिता जी तुसी शरीर त्याग गए, घटो घट दो घड़िया ते साडे वास्ते उठो दो घड़िया। हां जी, अह सुलखणी चरणन पासु, लोचन ते गेरत बहु आसु। माता सुलखणी जी अपने मन विच विचार करन दे, हुण मेरे पुत्र की मंगन दे ने। पहला आवाज मारी सी माता जी वैराग करन दे, समझाउण दे, पुत्र तुहाडे पिता जी हुण शरीर त्याग चुके ने, पर बाबा श्री चंद जी होणी ते बाबा लखमी दास जी बार बार बेनती करन, पिता जी सानू नहीं पता, साडी बेनती सुन के एक बार भावें दो घड़िया वास्ते दर्शन दिओ, पर सानू दर्शन जरूर दिओ जी। हां जी, ठंडे बंदे हाथ समीपा, हाथ ना खोलन जी। हां जी, हाथ जोड़ के बार बार बेनतियां करन दे जी। हां जी, सुनी बिना बेदी कुल दीपा, ते सच्चे पातशाह ते सदा वास्ते ही ने जी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अगमी जोत, सच्चे पातशाह ने शरीर ते भावे त्याग चुके जी, पर अपने पुत्रां दी बेनती सुनी जी। हां जी, तातन सो बोलन के कारण, ते बाबा श्री चंद ते लखमी दास जी होना ली होना नाल गल करन वास्ते। हां जी, उठ बैठे तब नरक निवारण, ते सारिया ने अपनिया अखां नाल वेखिया जेड़े गुरु नानक साहब शरीर त्याग गए सन, सच्चे पातशाह दुबारा उठ के बैठ के जी, कद के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। महाराज मुड़ उठ के बैठ गए सच्चे पातशाह। हां जी, अरण प्रफुल्लित कमल बिसाला, बदन सुहावता सतेह काला। ऐ महाराज दा चेहरा लाल चिट्टा, सच्चे पातशाह दा दाड़ा, सारे वेख के हैरान हो गए, ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਅਚੰਬ ਭਏ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਉਚਾਰੇ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ठंडे द्वै तातन को देखा, बोले गुर कर कृपा बसेखा। अपने दोवां पुत्रां नू गुरु जी ने खड़िया नू वेखिया जी, ते महाराज ने फिर अगो उचारण कीता मुड़ उठ गए जी। हां जी, जांचत जे जीवन बहु मेरा, सो पावत्या बहुती न देरा। महाराज कहिंदे श्री चंद जी दो घड़िया ही साडा जीवन मंगया, जे बहुता समा मंगदे ते आपां बहुता समा आ जाणा सी। कहन लगे तुसी मंगया ही दो घड़िया, कहन लगे हां जी। दुआ कटका जांची तुम जोई, नह दीन तुमरे कुछ सोई। सच्चे पातशाह कहन लगे श्री चंद जी तुहाडे वस भी कुछ नहीं हैगा, जो खुदा परमेश्वर दा हुक्म है सब ओही हो रिहा। कहन लगे पर जे वाधू समय वास्ते मंग लैंदे ना
ते आपां वादू समय ले भी आ जाना सी कहन लगे। हां जी निरंकार पावी जो आही सोई होत मिटे अब नाही। सच्चे पातशाह कहंदे निरंकार जो चाहुंदा है जो रब दा हुक्म सी, रब दा हुक्म इसे तरह सी, दो घड़िया वास्ते शरीर विच मुड़ आउणा सी कहन लगे। ओ सच्चे पातशाह कहन लगे हुण दुबारा आए आ, बोलो श्री चंद जी तुहानू किस वस्तु की जरूरत है। कहन लगे हां जी तेह शन श्री चंद कर बंदे बोले बचन सुनो सुख कंदे। हां जी तुम्हें अंतर जामी सब जानो हो बिना कहे ते भेव पछानो। बाबा श्री चंद जी हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज तुहानू बोल के दसन की जरूरत है कि सच्चे पातशाह तुसी जान दे भी अहीं क्यों तरला पाया तुहाडे चरणा विच, क्यों दो घड़िया का समा मंगया सच्चे पातशाह। हां जी पुछो तद आप करो उचारी पिता वस्त के सोते अधिकारी। फिर भी पुछ रहे हो ते दस लैने आ सच्चे पातशाह पिता दी वस्तु दा पुत्र अधिकारी हुंदा है। हां जी हमको शूशा शोर प्याने थाप्यो लहना अपन स्थाने। सच्चे पातशाह सानू खाली छड के ते महाराज तुही सारा कुछ बख्शिशां दा भंडारा ते लहना जी दे विच रखता गज के आखो वाहेगुरु। पर गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ने आख्या महाराज कहिंदे श्री चंद गद्दी किन्नू देनी है साडे हथ वस नहीं हैगा। कहन लगे ये खुद परमेशर दा आसन है, परमेशर नू पता इस आसन ते किन्ने बैठना। कहन लगे मत समझो मैं अपनी मर्जी ना बैठा सा। कहन लगे ये रब परमेशर दा आसन है, परमेशर दी मर्जी नाल ही इत्थे किसे ने बैठना। हां जी गुण खानी सुन करुणा ठानी बोले सुनत संग पुन बाणी। पर सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज जी बाबा श्री चंद जी नू अगों ये गल कहन लगे। हां जी गुरु पीर के जो है सुहाना तिनको माने जगत महाना। महाराज कहन लगे श्री चंद जी गुरु घर दे गुरुआ पीरिया दे ते कीड़िया च शक्ति हुंदी। कहन लगे उन्हां दे कुत्तियां च शक्ति हुंदी है, उन्हां दे कीड़िया च शक्ति हुंदी है। हां जी तुम तो तात पए मुझ तन ते तुही ते फिर भी मेरे अपने पुत्र हो। कहन लगे गज के आखो वाहेगुरु तुही ते मेरे अपने पोतो। कहन लगे हां जी बेटा क्यों ना देहे हित मन ते। सच्चे पातशाह कहन लगे असी तुहाडा भला क्यों नहीं सोच के जावांगे, ते हुण सुनो जे तुसी मांगी लिया ते हुण ध्यान ना साडी गल सुनो। कहन लगे हां जी करामात होवै है तुम माही। कहन लगे तुहाडी बहुत वड्डी करामात होवेगी पूरे जगत विच जी। हां जी सिख हमारे सर्व पुजारी ते साडे सिख तुहाडा सत्कार करिया करनगे गज के आखो वाहेगुरु। वाहेगुरु हुण सारा इतिहास ना पढ़िए ते बाबा जी नूं भी माड़ा आखी जाइए भी गल नहीं है की जी अवस्था बदलती रहिंदी, जिहड़ी अवस्था तुहाडी 5 साल पहला सी उह हुण थोड़ी है की जी। हां जी 5 साल पहला जिन्ना गुस्सा काम क्रोध हुंदा सी समय नाल बदलदा रहिंदा जी। बाबा जी ने जदों बहुती निम्रता नाल बेनती कीती ते सच्चे पातशाह ने आख्या श्री चंद जी साडे सिख तुहानू मनदे रहणगे, साडे सिख तुहाडे घर विच उह तुहाडा सत्कार करनगे। कहन लगे ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਕਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਠਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ।
सिखां बेनती की भाई गल तुहाडी ठीक है पर हुण हुकम हो गया हुण अंदर नहीं किसे ने जाना। वो कहन लगे तुसी एवें ही बोलदे हो। पठाणा ने उत्थे अपने शस्त्र कढ ले जंग होण लगी। बाबा बुढ़ा साहब कहन लगे ओए क्यों इत्थे लड़ाई झगड़ा करन दे हो। ओ गुरु दे दर्शन करने मैनू एक बार गुरु साहब दे कोल जाके पुछ लैण दिओ जी। बाबा जी पहला भी अंदरों आए सन जी। जदों बाबा बुढ़ा साहब अंदर गए ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने वेख्या केवल वो चादर ही सी जिहड़ी गुरु नानक साहब ने अपने शरीर ते लई। गुरु नानक साहब का शरीर उत्थे है ही नहीं सीगा जी। शरीर नहीं सी हैगा। एक गल दा चेता रखो दसवें पातशाह ते श्री गुरु नानक साहब जी इसे तरह ही गए जी। शरीर लब्बे ही नहीं जी इन्हां दे। बाहर आके कहन लगे सिखो तुही दर्शना वास्ते रौला पाउंदे हो गुरु नानक साहब आप ही झगड़ा नबेड़ गए। गुरु नानक साहब ने अपने शरीर ही अलोप कर लिया कहन लगे हुण जो मर्जी करो कहन लगे। अंदर आके वेख्या कली चादर रह गई जी चादर जी। उत्थे फिर भाई संतोख सिंह जी ने एक गल लिखी है। भाई संतोख सिंह जी लिखते कहन लगे वह कड़े घट सन अगों एक पासे एक धिर ने चादर फड़ ली एक ने एक किनारा फड़ लिया एक दे एक किनारा फड़ लिया जी। मुसलमान कहन लगे साडे पीर ने सिख कहन लगे जी साडा गुरु है। गुरमुखो सिख कहन चादर दा अंगीठा बनाउणा मुसलमान कहन नहीं असी तेरी कबर बनाउणी इहनू दफनाउणा चादर नू साडे एडे वड्डे ओ पीर सन। चलो उत्थे खिचो तान दे विच जिहड़ी चादर बची सी ना चादर ओ चादर दे दो टोटे कर दित्ते जी खिचो तान विच। ते मस्कीन साहब ये गल लिखदे ओ कहिंदे सिखो जिथे चादर दे दो टुटे किते गए उथे देश दे दो टोटे हो गए। कहन लगे करतारपुर साहब उतरती उथे दो टोटे देश दे भी हो गए जी। एक ना ने अंगीठे की तैयारी कर ली एक ना ने कबर दी। रात दरिया च हाड़ आया ना अंगीठा ही रहा ते ना कबर ही रही जी। फिर इको ही गल गूंजी जी ओ की बाबा मड़ी ना गोर गुर अंगद के हीए मोर। बाबा भाव धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज ना मड़ी विच हन ना गोर विच हन। जे गुरु नानक साहब दे दर्शन करने ते गुरु अंगद देव साहब दे हिरदे दे दर्शन कर लो जी। गुर अंगद के हीए मोर पुन सत संगत और निस दिन बासा मैं करूं। जां फिर सतगुरु कहन लगे साध संगत विच मैं निवास करता हाँ। अज सच्चे पातशाह जी दे ज्योति ज्योत दाला दिन सी मैं तां अज वाली कथा इस पासे रखी सारी। उहदा कारण यह है गुरमुखो आपां होर महाराज दा प्रकाश वाले दिन चलो उन्नी क गल सुन लैने फिर सारा साल कोई गलबात नहीं हुंदी जी। चलो इसे बन्ने गुरु नानक साहब दे गुण चेता आए सानूं। सारी संगत दोवें हथ जोड़ो ते आखो सारे धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज। धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। पिछे पिछे पंक्ति बोलो फिर खिमा मंगिए। ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत ज्योति ज्योत रली 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 ज्योति ज्योत ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली। बस एक गल अखीरी कह के मैं खिमा मंगांगा। गुरमुखो
एक हिंदू विद्वान पंडित वो दरबार साहब आया जी, ते दरबार साहब के दर्शन करके उन्हें एक गल आखी। वो कहन लगे दुनिया च होर बड़े रहबर आए आए अपनी उम्मत नू अपने सिखा नू उपदेश दिता ते चले गए। कहन लगा पर वो कहिंदा गुरु नानक साहब आए अपनी उम्मत नू उपदेश दिता पर गए किते नहीं। कहन लगा अज भी इत्थे ही ने। कहन लगा 500 साल हो गए जे कोई नहीं कह सकता भी गुरु नानक साहब आए ते बाद चो गए किते जी। क्यों? भाई गुरदास जी लिखते कल तारण गुरु नानक आया, आउन दी गल ते लिखी, जान दी ते गल ही नहीं लिखी जी किते। कल तारण गुरु नानक आया ते एक जो सिद्धा ने बोलिया वो आपां बोलिए, फिर खिमा मंगांगा। सारी संगत आखो तन नानक तेरी वड़ी कमा, तन नानक तेरी वड़ी कमा, तन नानक तेरी वड़ी कमाई। जी तन नानक तेरी वड़ी कमाई, तन नानक तेरी वड़ी कमाई, तन नानक तेरी वड़ी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डा पुरख प्रगटिया। कलयुग अंदर जोत जगाई, वड्डे पुरख प्रगट होए जी। कल तारण गुरु नानक आया। मैं फिर बेनती करा सतगुरु गुरु नानक साहब आए पर गुरु नानक साहब गए नहीं जे किते जी। ए ना भुल बैठी है भी वह चले गए जी किते, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਦੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।